रोशनी तुम्हारा हाथ जल जाए। मैंने बहुत मेहनत से बनाया, कोई पानी लेकर आओ प्लीज। रोशनी 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 तुम्हारे हाथ जल गए। रोशनी अरे ये है कौन? उसका पति तो है नहीं, फिर भी उसे इतनी छूट दे रखी है। रोशनी जी का मॉडल देखकर ऐसा लग रहा था आज तो वो जीत ही जाएंगे। उन्होंने घर का मॉडल तो बहुत अच्छा बनाया था, पर वो अपना घर नहीं बचा सके। घर बनाना एक बात है, पर घर को बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एनीवे, अब प्राइस की बारी है, अब विनर घोषित किया जाएगा। आज की विनर है परमित कौर। व्हाट इज दिस, व्हाट रबिश इज दिस यार। रोशनी तुम्हारा हाथ जल के तुम्हें फर्स्ट एड की जरूरत है। यश छोटी सी चोट है, आई एम फाइन। कुछ रोशनी हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। दिस यश, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? तुम क्यों कर रहे हो ये सब? इतना मैटर्स को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो तुम? हाय यश। हाय। मैंने देखा रोशनी तुमसे नाराज होकर चली गई, उसकी बात का बुरा मत मानना। कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि हमारे घर में उसके साथ क्या हो रहा है। तुम लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसे जैसे तैसे 3 महीने काटने हैं बस वहाँ पे। तो कैसे तिल तिल तड़प रही है, यू डोंट नो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। यश, डोमेस्टिक वायलेंस। रोशनी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है? हाँ, और मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि मेरे खुद के घर वाले ऐसा कर रहे हैं। Can't believe this, यार। प्लीज किसी को मत कहना, मेरे परिवार वालों की बहुत बेइज्जती होगी। बट मैंने तुम्हें बात इसलिए बोली क्योंकि तुम उसके बचपन के दोस्त हो और तुम उसे मॉरली सपोर्ट कर सकते हो। प्लीज यश, थैंक्स। निदा से पहले तू है, क्या चल रहा है ये जी? क्या बीजी बीजी लगा रखी है? ओ बीजी सुन तो लो, वो कह क्या रही है? तू चुप कर।
झाड़ में गया, ऐसा कंपटीशन है? वो सच्ची कह रही थी, जो अपने घर को नहीं बचा पाई वो कंपटीशन सवा जीतेगी। पहला तो मुझे ये पता करना है भाई, वो लड़का है कौन? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे ये घर जल रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा? बताओ वो लड़का है कौन? कल भी वहां पे आया था, बड़ी जप्पियां पफियां पा रहा था तेरे को, तो भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा चल तू चुप कर, मैंने सोचा चल जाने दे, हैं? आज फिर वो आ गया। क्या रिश्ता तेरा उसके साथ? क्यों तेरा पीछा करते करते आ जाता है? क्यों आया था कंपटीशन में? बोल है? मूरत बन के ना खड़ी रहे, जवाब दे जवाब। पीछे मैंने उसे नहीं बुलाया। कमाल है, मैंने नहीं बुलाया था, तेरे बिना बुलाई आ गया वो। हाँ बुलाया होगा तूने। रोशनी तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बीजी क्या पूछ रही है तुमसे? कौन है वो लड़का और क्या लगता है तुम्हारा? अच्छा दोस्त लगता है इसका। वो लड़का रोशनी का अच्छा दोस्त है। इनफैक्ट वो रोशनी का ही नहीं, मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है। जी, आपकी गुनहगार रोशनी नहीं है, आपका गुनहगार मैं हूं। रोशनी ने उसे वहां नहीं बुलाया था, मैंने उसे वहां भेजा था। अरे मैंने सोचा रोशनी कंपटीशन का हिस्सा है, कुछ फोटोज वोटोज खींचेगा यार, शुड बी नाइस। अब मुझे क्या पता था कि बात कहां की कहां पहुंच जाएगी। हाँ घर जल गया, उसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। लेकिन एक बात तो है, क्या तारीफें हो रही थी रोशनी की, फुल पावर। सीरियसली यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और सिर्फ मैं ही नहीं, सबको तुम पे गर्व है। बीजी को तुम पे कितना फक्र है? बेवकूफ ना होते, तेरी गलती की वजह से ना मैंने अपनी कितनी सोनी बहू को डांट दिया है। पुत्र तू ना गुस्सा ना किया कर, मैं ना सठिया गई हूँ। हाँ कुछ भी बोल दे। तेरा तो ऐसे लगता तेरे मुंह पे ना चपेट मारूं खींच के। अब तो मार लो बीजी, चपेट के मुक्के मार लो मुझे। अरे क्या हो गया, किस्मत वाले होते हैं जिनको उनके बड़ों की डांट और मार नसीब होती है। हाय मर्जा, कितनी समझदारी की बातें करता है, कितनी प्यारी बातें करता है, सबका कितना ख्याल रखता है। बोटी को भी ऐसे ही प्यार किया कर। हाँ तो बीजी तुसी मौका तो दो, आपके सामने ही करके दिखा दूंगा। हाय मोया, कितना बेशरम हो गया वे, बीजी तो सामने ऐसी बातें कर रहा है। आंटी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि रोशनी के साथ तो डोमेस्टिक वायलेंस, आई मीन ये तो हद ही हो गई ना आंटी। आई थिंक वी हैव टू डू समथिंग नाउ। ऑफ कोर्स वी हैव टू डू समथिंग। 3 महीने तक रोशनी वहां ऐसे नहीं रह सकती। मैं 3 मिनट तक उस पर टॉर्चर नहीं बर्दाश्त कर सकती। पर प्रॉब्लम ये कि वो मेरी बात भी नहीं सुनने वाली। बट स्टिल 3 months इन दैट हाउस इज लाइक, मेरे दिमाग में एक प्लान है यश। जो चीज पहले नहीं हो पाई इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अब नहीं हो सकती। रोशनी इस प्लान से अग्री नहीं करेगी, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी भलाई के लिए मुझे ये प्लान एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। आंटी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें ये सब कुछ छुप कर करने की क्या जरूरत है? यू नो पहले भी फिलहाल चॉइस नहीं है हमारे पास। वो नहीं सुनेगी हमारी बात, उसकी भलाई के लिए हमें ये करना ही होगा। शायद आप ठीक ही कह रही हैं, लेकिन हमें जो भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा आंटी, बिकॉज आई कांट सी हर लाइक दिस। आप बताइए प्लान क्या है। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। बाहर तुमने जो भी किया उसके लिए
देखो रोशनी, तुम्हें मुझे थैंक यू वगैरह कहने की जरूरत नहीं। ये जो कुछ भी मैंने बाहर किया है वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। मैंने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं बीजी को तकलीफ नहीं देना चाहता था, बिल्कुल वैसे जैसे तुम नहीं देना चाहते। और दूसरी बात, आई अंडरस्टैंड कि ये वक्त हमारे लिए मुश्किल है, हम एक सेंसिटिव सिचुएशन में है। तुम अपने दोस्तों से बात करना चाहोगी, उनसे अपने दुख दर्द बांटना चाहोगी, दैट्स फेयर। अब तुम्हें उनसे अलग करना, दैट्स नॉट फेयर। तुम्हें मुझे थैंक यू वगैरह कहने की जरूरत नहीं, इट्स ओके। क्या हुआ रश्मि? अरे ओ गॉड, ये तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझती। मैं अपना दर्द खुद हैंडल कर सकती। आई डोंट नीड योर सपोर्ट। मत करो सिद्धार्थ, नहीं तो फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हो ये सब? अब तो कोई रिश्ता नहीं है ना हमारे बीच में। आंख के सामने उल्टे फेरे लेके सारे रिश्ते तोड़ चुके हो ना तुम, तो क्यों दिखा रहे हो इतना कंसर्न, इतनी केयर? दर्द तो इससे कहीं ज्यादा गहरा जख्म अपने दिल में लिए रोज घूमता हूं मैं रोशनी। वो जख्म जो तुमने मुझे दिए, ये तो कुछ भी नहीं। ख्याल रखो अपना। पेन किलर से खा लो, दर्द कम हो जाएगा। हेलो मॉम। हेलो बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? तो इस आवाज में बात क्यों कर रही है? नहीं मॉम, वो मैं एक्चुअली थोड़ा थक गई हूँ बस। अच्छा ठीक है। अब रोशनी, कल ना तुझे घर आना पड़ेगा, डॉक्टर आंटी आ रही हैं। अब ऑब्वियसली तुझे तो याद नहीं होगा, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो अगर तू आ जाए तो तुझे भी उन्हीं ने ही डिलीवर किया। एक मिनट, कौन डॉक्टर आंटी? आपने तो आज तक कभी किसी डॉक्टर आंटी के बारे में बात नहीं की। तू बहुत छोटी थी तो वो आउट ऑफ इंडिया चली गई, शी वाज इन टच विद मी। अब आ रही है वापस और पता नहीं क्यों बस ऐसे कह रही थी कि तुझसे भी मिलना चाहती है, तो मैंने कहा ठीक है मैं बुला लेती हूँ। और हाँ, कल नहीं आ पाऊंगी मैं मॉम, वो कल एक कॉम्पिटिशन है ना। कॉम्पिटिशन के बाद आ जा। ओके मॉम, आई विल सी, आई मीन मैं आ जाऊंगी। ओके बेटा। अच्छा मैं अभी रखती हूँ, सोने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, टेक केयर।
सो सो गए क्या? हाय मैं मर जा, अब मेरी बच्ची को चोट कब लगी? वो आग बुझाते हुए लग गई। मुझे माफ कर दे पुत्र, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं खाम खाए गुस्सा हो गई थी। वो क्या है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही ना, अब पगलाती जा रही हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। तू गुस्सा मत करना पुत्र, है मैं ना तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ, चोट ऐसे भाग जाएगी। नो नो बीची, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। पुत्र जरूरत कैसे नहीं है, ये पट्टी बांधी किसने? अब इधर उधर क्या देख रहा है, है? वेरी गुड, हाँ ऐसे ध्यान रखा कर अपनी पत्नी का। वैसे भी पति का भी धर्म बनता है पत्नी की सेवा करना, हुँ? जब वो बीमार हो। और हाँ मेरी बात सुन, कल ना तुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। हाँ वो जो कल कंपटीशन हो रहा ना, पतियों ने भी भाग लेना उसमें। क्या मैं? क्यों? अरे मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया मतलब तूने आना ही आना है। मैंने कह दिया मतलब तूने आना ही आना है। देख नहीं रहा है वोटी रानी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे चोट भी लगी है। अरे वो आएगा ना तो वो ना कंपटीशन जीत जाएगी। वैसे भी तुम दोनों का तालमेल देखकर ऐसे लगता है कि तुम जैसे सूझबूझ वाले पति पत्नी और कहीं नहीं है। भाई कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे लड़कियां लड़के? अच्छा पुत्र देखना, तुम दोनों ही जीतोगे। हाँ आराम करो, हाँ शाबाश, हा? चलो अच्छा जीते रहो। बकवास है यार, इसके लिए बुलाया मुझे? इससे अच्छा तो मैं परलोक इस घर जाता। हाँ तो क्यों आए हो, कौन मरे जा रहा था तुम्हारे बिना यहाँ पे? मैं भी सिर्फ बीजी की वजह से स्टक हुआ। क्या बात है, बहुत मानती हो बीजी की। उन्हीं से शादी क्यों नहीं कर ली, मुझे क्यों मारा बीच में? आई स्वेयर कर लेती, लाइफ बहुत अच्छी होती। इनफैक्ट बीजी क्या, मैं दीवार से शादी कर लेती। दीवार से शादी करती ना तो देवर दरवाजा होता, बात समझ में? आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, मैं बताती हूँ। हर पत्नी को शीशे के सामने खड़े होना है और हाथ पीछे रखेंगे, पति आकर उनका श्रृंगार करेंगे। जो भी पत्नी अपने पति को बहुत अच्छी तरह से समझा सकेगी और उसे बता पाएगी वही इस प्रतियोगिता की भागीदार होगी। क्या बकवास है ये? भला इससे कैसे प्रूफ होगा भाई, ये कैसे बेस्ट बहू या बेस्ट पति हो सकते हैं? एग्जैक्टली, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कैसे पत्नियां अपनी समझ बूझ से अपने पति को गाइड करती हैं और कैसे तालमेल बनाती हैं। कहते हैं ना, एक औरत ही घर को तोड़ने और जोड़े रखने की जिम्मेदार होती है। आगे हम प्रतियोगिता शुरू करते हैं। आ सीधे पुत्र जा, छेती कर, सॉरी सॉरी जा ही जा रहे, रोशनी तू भी जा जल्दी।